इसके पहले हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी को पढ़ा था, अब ठीक उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जो सिंधु की जो पंचनद सहायक थी उसमें सबसे पहला जो नाम था वो क्या नाम था, आपका झेलम, झेलम नदी को पढ़ेंगे। तो एक बात आप जानते रहिएगा, झेलम नदी को जो पूरा नाम है, झेलम नदी का जो पुराना नाम है या वास्तविक जो नाम है उसे वितस्ता कहते हैं। तिस्ता भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, झेलम नदी को क्या कहते हैं, वितस्ता कहते हैं। झेलम नदी इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है, वितस्ता, वितस्ता इसका वास्तविक नाम है। ये इस नदी की जो कुल लंबाई है, अगर कुल लंबाई की बात करें तो 725 किलोमीटर लंबी है। ये कुल लंबाई सी कितनी है, 725 किलोमीटर लंबी यह नदी है। और इस नदी का जो अगर उद्गम की बात करें तो इस नदी का जो उद्गम है वह जम्मू कश्मीर में स्थित वेरीनाग झील के पास शेषनाग झील है, वेरीनाग झील है उसके ठीक पास में शेषनाग झील के पास इस नदी का उद्गम स्थल है जहाँ से यह नदी निकलती है। और वहाँ से निकलने के बाद यह भारत के जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वुलर झील, वहाँ से होते हुए फिर नदी क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ती है, फिर आगे जाती है। इसकी एक सबसे प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम है किशनगंगा। इसकी जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम क्या है, किशनगंगा, किशनगंगा, किशनगंगा चेनाब की सबसे एक प्रमुख सहायक नदी है। इस किशनगंगा को पाकिस्तान में नीलम नाम से पुकारते हैं, किस नाम से, नीलम, किस नाम से पुकारते हैं, नीलम नाम से। और फिर हम आगे देखेंगे कि किशनगंगा और झेलम नदी की जो संयुक्त धारा पाकिस्तान में मिलकर बहती है तो वहाँ पर उसे नीलम झेलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर एक प्रश्न यहाँ से जो बनता है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर को जानते होंगे तो श्रीनगर से भी परिचित होंगे, श्रीनगर इसी नदी के किनारे बसा है, किस नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे ही यह नदी बसी हुई है। फिर आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं कि यह नदी झेलम नदी, झेलम नदी कुछ दूर तक भारत और पाकिस्तान की एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। कौन सी सीमा बनाती है, एक प्राकृतिक सीमा बनाती है या प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो प्राकृतिक विभाजन, माने नदी के, झेलम नदी के उस पार पाकिस्तान और इस पार भारत, झेलम नदी के उत्तर में, अगर झेलम नदी को देखा जाए उत्तर में पाकिस्तान और दक्षिण में भारत, ये नदी का विभाजन करती है। अगर इसको देखा जाए कहाँ से कहाँ तक तो लिख लीजिएगा, शायद आपको काम आ जाए, ये मुजफ्फराबाद से, ये मुजफ्फराबाद से लेकर मंगला तक, मुजफ्फराबाद से लेकर मंगला तक भारत और पाकिस्तान के समानांतर चलकर उसकी सीमाएं बनाती है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, मुजफ्फराबाद से लेकर मंगला तक दोनों बीच की जो दूरी है। फिर आगे देखते हैं हम, फिर यह आगे चलती है बारामूला से आगे जाने के बाद अनुप्रवाह में यह क्या करती है, 2130 किलोमीटर की महाखड्डे में गिरती है और गिरने के बाद यह मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है, कहाँ पे, मुजफ्फराबाद। ठीक, उसके बाद वहाँ से लेके मंगला तक उस दोनों क्या होती है, संयुक्त सीमाएं बनाती है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। फिर हम आगे देखते हैं, अगर देखा जाए तो फिर झेलम तथा रावी पाकिस्तान के झंग में, झेलम तथा रावी, झेलम और रावी पाकिस्तान के झंग, झंग एक स्थान है, झंग के निकट चेनाब नदी से मिल जाते हैं, कहाँ पे, झंग, झंग के पास कहाँ, चेनाब नदी से मिल जाती है। ठीक, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि इसकी सहायक नदी है कौन, किशनगंगा, कौन सी नदी, किशनगंगा, इसे पाकिस्तान में नीलम के नाम से जानते हैं और जब पाकिस्तान में झेलम के साथ किशनगंगा मिल जाती है इसे नीलम और झेलम के नाम से पुकारा जाता है, इसकी संयुक्त धारा को नीलम झेलम के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं इस नदी पर तुलबुल परियोजना, इस नदी पर कौन सी परियोजना, तुलबुल परियोजना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा, तुलबुल परियोजना इस नदी पर बनी है, कौन सी परियोजना, तुलबुल परियोजना जो नौ परिवहन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, नौ परिवहन के लिए कौन सी परियोजना, झेलम नदी पे तुलबुल, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है, किस नदी पर बना है, तो झेलम नदी पर, किस नदी पर, झेलम नदी पर, नौ परिवहन के लिए उस पर बनाया गया। फिर एक बात
आप लोग देखिएगा या जानते रहिएगा। ये प्रश्न छोटा सा है कि सिंधु नदी सॉरी झेलम नदी कहां पे जाकर चेनाब से मिलती है, तो उसका स्थान का नाम है क्या, त्रिम्पू या त्रिम्पू उसका नाम है, त्रिम्पू कहीं मिल जाएगा आपको या कहीं आपको त्रिम्पू मिल जाएगा, त्रिम्पू हो जाएगा या तो त्रिम्पू, त्रिपू नाम से जाना जाता है, कहीं त्रिपू है कहीं त्रिम्पू है, देख लेते हैं दोनों नाम, त्रिपू है कहीं कहीं आपको मिलता है त्रिम्पू, जहां पे जाके ये झेलम नदी चेनाब से मिल जाती है। ठीक, तो इस प्रकार हम लोगों ने झेलम नदी को पढ़ा। झेलम नदी में प्रमुख बातें एक बार हम देख लेते हैं, झेलम नदी का जो उद्गम है ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर के वेरीनाग के पास शेषनाग झील में जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, वहां से निकलकर ये 725 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद पाकिस्तान में जाकर त्रिम्पू नामक स्थान पे चेनाब से मिल जाती है। इसकी एकमात्र सहायक नदी है जिसे कहते हैं किशन गंगा, किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम कहते हैं। जब किशन गंगा झेलम से मिल जाती है तो दोनों से संयुक्त धारा आगे बढ़ती है पाकिस्तान में, तो उसे नीलम झेलम के नाम से पुकारा जाता है। झेलम नदी का जो वास्तविक नाम है उसे कौन सा, पितस्ता के नाम से जाना जाता है। इस पे यह भारत के सबसे मीठे पानी की झील बुलर झील से होकर गुजरती है, जो भारत के सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह जम्मू कश्मीर राज्य में ही है। ठीक, दूसरी बात, झेलम नदी इसी नदी के किनारे पर बसा है, झेलम नदी के किनारे पर ही कौन सा, जो जम्मू कश्मीर राज्य सॉरी झेलम श्रीनगर बसा हुआ है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो कोई समस्या हो तो आप हमें बताइएगा। तो हमें जानते हैं इसमें दो प्रमुख परियोजनाएं थी और हमने ये देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये समानांतर कुछ दूर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है, जो मुर्शिदाबाद से कौन सी जगह आपका मुजफ्फराबाद से लेके मंगला तक। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई समस्या। एक छोटा सा प्रश्न हम पूछना चाहेंगे कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाई गई, मैंने भी हाल ही में बताया। उसके अलावा झेलम नदी पे और अगर कोई परियोजना बनी है तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि तुलबुल परियोजना के अलावा कौन सी परियोजना है जो कहाँ पे बनाई गई है, आपके झेलम नदी पर। अगली नदी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चेनाब, हेडिंग डाल लीजिएगा चेनाब नदी, कौन सी नदी, चेनाब नदी, जिसे अस्किनी, इसका वास्तविक नाम जो है अस्किनी के नाम से इसे पुकारा जाता है। नदी कौन सी है, चेनाब नदी, चेनाब नदी, इसका जो वास्तविक नाम है अस्किनी, अस्किनी इसका वास्तविक नाम है, किसका, चेनाब नदी का। इसकी अगर लंबाई देखा जाए तो 1180 किलोमीटर है, 1180 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है, कितनी है, 1180 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। इस नदी का जो उद्गम हुआ है वह हिमाचल प्रदेश में बारा लाचा दर्रे के नजदीक निकलने वाली दो नदियां हैं, मतलब दो नदियां हैं चंद्र और भागा, इसे चंद्रा प्लस भागा कहीं आपको मिल जाता है, चंद्र और भागा से मिलने के बाद, माने चंद्र भागा इन दोनों नदियों के मिलने के बाद क्या होता है, यह चेनाब नदी के रूप में आगे बढ़ती है। चंद्रभागा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ये चंद्र और भागा कहाँ की नदी है, ये दोनों चंद्रा और भागा हिमाचल प्रदेश, कहाँ की, हिमाचल प्रदेश दोनों नदियां हैं। और ये चंद्रभागा जब मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश से आगे आती है तो इसी का नाम ये कहां पर हो जाता है, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो जाती है, ये चेनाब, ये क्या होती है फिर, जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब नाम हो जाता है। कितनी, 1180 किलोमीटर। हमने क्या देखा कि चेनाब नदी का जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश के बारा लाचा दर्रे के नज़दीक निकलने वाली चंद्रा और भागा, बारा लाचा दर्रा का हिमाचल प्रदेश में, चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने के बाद इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में, फिर ये जम्मू कश्मीर में चेनाब के नाम से जानी जाती है जो 1180 किलोमीटर लंबी यात्रा करती है। ठीक, फिर हम जानते हैं कि इस नदी पर अगर देखा जाए तो दो प्रमुख, कुछ प्रमुख परियोजनाएँ हैं
दुलस्ती परियोजना इस नदी पर बनी है। दुलस्ती और बगली हार, कौन सी? दुलस्ती और बगली हार, देख लेते हैं आप लोग, शायद आपके काम में आ जाए। लिख लीजिएगा दुलहस्ती, ये पूछा है दुलहस्ती, दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर बना है? दुलस्ती परियोजना किस नदी बना है? चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर कौन सी है? दुलस्ती परियोजना, ठीक। उसके बाद बगलीहार परियोजना स्थित है। बगलीहार कौन सी परियोजना है? बगलीहार, बगलीहार परियोजना है, दुलस्ती और बगलीहार परियोजना स्थित है, ठीक। सलान जम्मू कश्मीर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी प्रोजेक्ट है। जम्मू कश्मीर में सलान एक स्थान है जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी का प्रोजेक्ट इसी नदी पर बनाया गया है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी सी बातें और लिखते हैं। चंद्रभागा इसकी दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं और नीचे की ओर उसका संगम टांडी में होता है, ठीक। फिर एकजुट होने के बाद चेनाब पीर पंजाल तथा बृहद हिमालय के बीच, पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच बहती है। किश्तवाड़ के निकट यह नदी एक कैची मोड़ लेकर पीर पंजाल की सिया रियासी पार कर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चेनाब नदी पर बनी महत्वपूर्ण जल बिजली परियोजना बगलीहार, सलाला, सलाल व दुलस्ती है। सलाल भी देख लीजिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। सलाल, सलाल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी प्रोजेक्ट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किसने, ये सलाल परियोजना है। फिर बगलीहार, दुलस्ती परियोजना, ये सभी परियोजना कहाँ पे है? किस नदी पर बनी है? ये सभी आपके चेनाब नदी पर बनी है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, शायद आपको भी पूरा क्लियर हो जाए। चेनाब नदी का वास्तविक नाम अस्किनी है और यह इस नदी की कुल लंबाई जो है वह कितनी? 1180 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश के जो दर्रा है बड़ालाचा दर्रे के पास, कौन से? बड़ालाचा दर्रे के पास। चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा दो नदियां हैं, दोनों नदियों के मिलने से यह चेनाब नदी जम्मू कश्मीर बनती है और यह जम्मू कश्मीर से बहते हुए फिर आगे धारा लेकर कहां पहुंच जाती है? पाकिस्तान में निकल जाती है। इस नदी पे जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वह कौन है? दुलस्ती परियोजना, बगलीहार परियोजना, सलाल परियोजना, जहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। क्या है? प्रोजेक्ट है। कौन सा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी, इलेक्ट्रिक सिटी है जी, सिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी, सिटी क्या है? प्रोजेक्ट है, ठीक। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं अगली नदी तंत्र, ठीक। और बाकी तो कुछ नहीं हुआ, लाहौल में बड़ा राजा दरअसल, अच्छा ठीक, ये हो गया। अस्किन इसके नाम है। अगली नदी हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक अगर कोई समस्या हो तो आप पूछिएगा। एक छोटा सा प्रश्न हम इसमें पूछते हुए आगे बढ़ते हैं कि झेलम नदी, कौन सी? झेलम नदी किस नदी में जाकर मिलती है? झेलम नदी आगे जाकर किस नदी पर मिलती है या किस नदी में झेलम नदी मिलती है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं अगली नदी, जो अगली नदी है वो कौन सी है? रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी पढ़ेंगे, जिसको का वास्तविक नाम जो है वो पुरुषणी या इरावती है, पुरुषणी या इरावती है, ठीक। ये हो गया आपका, मिटा दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अगर अगली नदी हम लोग को पढ़ना है, स्क्रीनशॉट आपका लिया करिए, वह रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। रावी नदी इसे पुरुषणी या इरावती के नाम से जानते हैं। इसका वास्तविक जो नाम है पुरुषणी या इरावती। इस नदी की भी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। कितनी है? 725 किलोमीटर है। कितनी है? 725 किलोमीटर है। किस नदी का? रावी नदी का। इसे पुरुषणी या इरावती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका वास्तविक नदी है। इस नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास, लेह और मनाली, रेह मनाली और रोहतांग दर्रे के से नज़दीक से होता है।
इस नदी माने रावी नदी का जो उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे लेह मनाली दर्रे के नजदीक होता है, ठीक। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। यह हिमाचल प्रदेश के चमेराबाद पर स्थित है। याद रखिएगा, इस नदी पर वर्तमान में पंजाब राज्य में थीम परियोजना का विकास किया जा रहा है, जो रंजीत सागर बांध भी से कहते हैं। थीम परियोजना अर्थात रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और यह भी ब्यासकूट के बाद निकलती है, ये कुल्लू की घाटी भी कहते हैं। इसी घाटी को कुल्लू, अच्छा, जो रावी नदी है, रावी नदी की घाटी को कुल्लू की घाटी के नाम से जाना जाता है। रावी नदी की घाटी को कुल्लू की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और इसमें से इस नदी पर वर्तमान में क्या है? थीम परियोजना है। अच्छा, इसी परियोजना क्या कहते हैं? रंजीत सागर बांध। ये परियोजना किस पर है? रंजीत सागर बांध भी कहते हैं। इस नदी में, अच्छा, और हिमाचल प्रदेश में चमेरा बांध पर स्थित है, ठीक है। और ब्यास नदी के निकट इसका भी स्रोत है। अगर हम देखें तो ब्यास नदी के निकट ही इस नदी का भी स्रोत है। इसमें कुछ छोटा नहीं है, या पीर पंजाल, अच्छा, ये भारत पाक सीमा के साथ बहती हुई गुरदासपुर अमृतसर जिले के साथ बहती है, ठीक है। चलिए, कोई खास नहीं है, कुछ छोटा भी नहीं है। एक बार हम देख लेते हैं, थीन बांध है, ठीक है। झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी से मिल जाती है, ठीक। चिनाब नदी से मिलती है कहाँ पे जाके? ये झांग जिले में, झांग जिले में जाकर ये चिनाब नदी से मिल जाती है। कहाँ पे? झांग जिले में इस चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। देख रहे ना, आके ये चिनाब नदी में जाकर रावी मिल जाती है। यहाँ तक कोई समस्या? एक बार रिवीजन कर देते हैं आराम से। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के नज़दीक लेह मनाली के पास होता है। इस नदी पर वर्तमान में पंजाब राज्य में थीम परियोजना है, इसे रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसका वास्तविक नाम इरावती, कौन से? पुष्णी और इरावती के नाम से। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है और यह जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है, ठीक। झांग जिले के पास ये मिल जाती है जाके, ठीक। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ा जाए। अगली नदी जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है ब्यास नदी। क्या है? ब्यास नदी। चलिए लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ब्यास नदी को विपासा या अर्गी किया के नाम से जाना जाता है। ब्यास नदी। इसे, इसका जो वास्तविक नाम है वह विपासा या अर्गी किया, विपासा और अर्गी किया इसका वास्तविक नाम है, ठीक। और यह हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से? ब्यास कुंड से निकलती है। यस, इस नदी पर पंजाब में हरके बैराज नामक परियोजना है और जाकर हरके बैराज नामक स्थान पर ही सतलज से मिल जाती है। हरके बैराज या हरके नामक स्थान में मिलती है, जहाँ पे हरके बैराज परियोजना भी बनाई जाती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश में पुंग बांध पर स्थित महाराणा प्रताप सागर जलाशय का भी निर्माण करती है, ठीक। आते हैं इसके और बारीकियों के बारे में, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसका जो ब्यास नदी है, इसका धन कुल्लू की पहाड़ी रोहतांग दर्रे के दक्षिण किनारे पर हुआ है, अच्छा, पर हुआ है। और यह सतलज की सहायक नदी है। कहाँ है? सतलज की सहायक नदी है। यह सतलज की, आगे देखते हैं, जो ये ब्यास नदी है यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सतलज की, यह सतलज की सहायक नदी है। सतलज की सहायक नदी है,
की सहायक नदी है जो कपूरथला नामक स्थान पर जाकर किससे मिलती है, कपूरथला नामक स्थान पर मिल जाती है। कपूरथला के पास हरिके, कपूरथला के पास हरिके नामक स्थान पर जाके किससे, सतलज से मिल जाती है। क्या होती है, सतलज से जाके मिल जाती है। फिर हम देखते हैं बस, और इसके बारे में विशेष कुछ नहीं है। और यहाँ पे इस नदी पे पोंग बांध स्थित है, जिस पे एक इंपॉर्टेंट ले लीजिएगा, पोंग बांध। इस नदी पर हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध है। कौन सा, पोंग बांध, इस नदी पर पोंग बांध है। ये बांध कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, हिमाचल। क्षमा चाहते हैं, दरअसल रात्रि बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए थोड़ा कुत्ते भोंकने की आपको आवाज़ सुनाई दी, उसे इग्नोर करते हैं। हमें अपना काम पे ध्यान देना है, पठन पाठन में ध्यान देना है। हम लोग पढ़ रहे थे ब्यास नदी। तो ब्यास नदी का जो वास्तविक नाम है, विवासा और अर्गिकिया के नाम से जाना जाता है। इस नदी का जो उद्गम स्थल है, शिपकिला के पास ब्यास कुंड से हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम होता है। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो है 470 किलोमीटर, इस नदी की लंबाई है। और यह नदी वहाँ से निकलने के बाद सतलज की सहायक नदी बन जाती है, जो कपूरथला के पास हरिके नामक स्थान पर जाके मिल जाती है। और यहाँ पे ही हरिके बांध परियोजना बनाई गई। कौन सी परियोजना, हरिके बांध परियोजना बनाई गई। उसके बाद हम देखते हैं इसी नदी पर हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध बनाया गया है। पोंग बांध पे महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर। देखिए सागर का मतलब हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे नदी आ रही है, यहाँ पे हमने क्या बना लिया, डैम बना लिया। क्या बना लिया, डैम, देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या बन गया, ये डैम है। यहाँ पे बांध बन गया। जब बांध बन जाता है तो यहाँ पे जल को रोक दिया जाता है। जैसे हमने देखा ये बन गया, इस बांध का नाम हो गया पोंग बांध। ठीक, कौन सा बांध हो गया, पोंग बांध। तो यहाँ पे बड़ी सी दीवार खड़ी की जाती है, आप तो जानते होंगे। तब इसके बाद जो नदियों को जल, जो जल होता है, जो नदियाँ बहाकर लाती है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, सागर के नाम से जानते हैं। क्या, सागर। तो यहाँ पे ये नदी जो है, जिस नदी पर ये पोंग बांध बना उसका नाम है ब्यास नदी। ब्यास नदी पर पोंग बांध बना, और पोंग बांध के ठीक पीछे का जो पानी का जल जमाव का हिस्सा होता है उसे सागर कहते हैं। उस सागर को महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है। इस नदी पे दो बांध है, हरिके बैराज परियोजना इसी नदी पर है। फिर हम देखते हैं पोंग बांध पर महाराणा प्रताप सागर या जलाशय का निर्माण होता है। इसे सागर या जलाशय कहते हैं, इसे हम जलाशय भी कहा जा सकता है, जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया पंचरद में हम लोगों ने लगातार पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक, ब्यास नदी तक। और अब जो अगली नदी पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कौन सी नदी, सतलज नदी। इसे सतलुज नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे साथ पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। यदि कोई भी समस्या हो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसमें कितनी रात्रि हो चुकी है वो केवल मैं जानता हूँ। फर्क इतना है, आपको पढ़ाना है, आपके कोर्स को कंप्लीट करना है, इस वजह से हम आपके सामने हाजिर हुए हैं ताकि आप पढ़ सकें। जरा सा भी ना कहें कि दुर्गेश्वर ने यह चीज़ें छोड़ दी या दुर्गेश्वर ने यह चीज़ें नहीं पढ़ाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसे साफ कर दिया जाए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। ठीक है, तो एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे जिसका जवाब हम उम्मीद करते हैं आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, और ब्यास नदी किसकी सहायक नदी आगे जाकर बनती है। ठीक है, ब्यास नदी किसकी सहायक नदी आगे जाकर बनती है। ठीक, अगली नदी जो पढ़ना है उसका नाम है सतलज। कौन सी नदी है, सतलज, इसी को सतलुज भी कहते हैं, सतलुज, सतलुज नदी। इसे इसका जो वास्तविक नाम है वो है सातद्रु, सातद्रु या सातद्रु नदी या सातुद्री, सातुद्री के नाम से भी यह जाना जाता है। ये इसके वास्तविक नाम है। ठीक है, अब सतलज नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें, इसकी जो लंबाई है अलग अलग जगह अलग अलग मिलती है। कुछ जगह ये इसकी लंबाई आपको मिलती है 1500 किलोमीटर,
और कुछ किताबों में इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर मिलती है, ठीक है। और लेकिन वैसे इसकी जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है। कितनी है? 1500 किलोमीटर है। अगर इस नदी का उद्गम देखा जाए तो इस नदी का जो उद्गम है वो भारत के बाहर है। देख सकते हैं सतलुज नदी हमने बनाए हुए है, इसका उद्गम भारत के बाहर है। अगर हम देखें भारत के बाहर कहाँ पे है, तो इस नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में राक्कस ताल है, जिसे राक्कस झील भी कहते हैं, यहाँ पे है, जिसे क्या कहते हैं, यहीं पे है, ये यहाँ पे स्थित है, उसे हम कहते हैं राक्कस ताल, ठीक। इसे राक्षस ताल भी कहते हैं, ताल माने झील होता है, राक्षस ताल के नाम से जाना जाता है, यहीं पर है। यहाँ पे ऊपर देखते हैं, ऊपर ग्लेशियर है, चेमायूनू ग्लेशियर, मानसरोवर झील इसके नीचे, यहाँ पे राक्षस ताल, यहाँ पे मानसरोवर झील है, तीनों अपने आसपास ही यहीं पर है। तो ये राक्षस ताल झील से या राक्षस झील से होता है, से उद्गम होता है या वहां से निकलता है। ये सिपकिला दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि यह किस दर्रे से भारत में प्रवेश करता है, तो शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है कहां से, या हिमाचल प्रदेश के पास में है शिपकिला दर्रा, तो ये शिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। फिर देखते हैं हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर नाथपा झाकड़ी परियोजना स्थित है, जो कि वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पादन परियोजना है, जहां पे 1400 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। फिर देखेंगे पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में इस नदी पर भाखड़ा नागड़ परियोजना स्थित है। याद रखिएगा भाखड़ा परियोजना अलग है और नागड़ परियोजना अलग है। भाखड़ा जो परियोजना है, भाखड़ा बांध जो है, ठीक, वो हिमाचल प्रदेश में है, और जो नागड़ है वो कहाँ पे है, पंजाब में है, और दोनों मिलाकर भाखड़ा नागड़ परियोजना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोनों के बॉर्डर पर है। भाखड़ा बांध से गोविंद सागर या गोविंद सागर जलाशय का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे हरके नामक स्थान पर इस नदी में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। किसका? इंदिरा गांधी नदी का उद्गम होता है। ये सब ऐसे की पॉइंट थे जिसको आपको पूरी तरह से याद करना था और इसे लिखना भी था, ताकि आपको कभी किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, कुछ चीज़ें छूटने ना पाए, नहीं तो फिर पता चला कि अगर कोई चीज़ छूट जाएंगी तो योग सर ने पढ़ाया और ये चीज़ें छोड़ गई, और हम ये नहीं चाहते किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आए। अगर हम सतलुज नदी की बात करें तो इस पे जो परियोजनाएं बनाई गई हैं वो परियोजनाएं हैं आपका नाथपा, नाथपा झाकरी कोलबाद, नाथपा झाकरी कोलबाद इस पर बनाई गई। आइए एक एक करके इनको पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। अगर भारत में इस नदी की लंबाई देखा जाए, अगर भारत में 1050 किलोमीटर है, भारत में सतलुज नदी की जो लंबाई है भारत में अगर देखा जाए, भारत में 1050 किलोमीटर ही बहती है। एक एक क्रम से पढ़ते हैं, एक बार रिपीट रिवीजन भी कर लेते हैं। सतलुज या सतलुज नदी का उद्गम भारत के बाहर होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो राक्षस ताल या राक्षस ताल से निकलती हुई यह भारत में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है भारत में, और कुल इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। इसका वास्तविक नाम सातद्रु या सातुद्री के नाम से ये जानी जाती है। फिर हम आगे देखते हैं, अगर इसके संगम की बात करें तो इसका जो संगम होता है वो कपूरथला से ब्यास नदी पर मिठानकोट में सिंधु नदी से जाकर ये मिल जाती है आगे जाके। अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश पे, हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर नाथपा परियोजना, कौन कौन सी परियोजना है, परियोजना के नाम लिख लीजिएगा, परियोजना है इस नदी पे बनी प्रमुख परियोजना है कौन कौन सी है। पहला है नाथपा परियोजना, कौन सी परियोजना, नाथपा परियोजना, ये कहाँ बनाई गई है, हिमाचल प्रदेश में, कहाँ बनाई गई है, हिमाचल प्रदेश में। इस नदी पर एक परियोजना है नाथपा परियोजना। फिर झाकड़ी परियोजना, इसी नदी पर है झाकड़ी, झाकड़ी परियोजना इसी नदी पर है, ठीक, ये भी हिमाचल प्रदेश में, यह भी हिमाचल प्रदेश में, झाकड़ी परियोजना भी हिमाचल प्रदेश में है। फिर आगे देखते हैं,
और वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पादन परियोजना है। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी जल परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। यहां से 1400 मेगावाट मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है, किससे, यहां पे। और हम आगे देखते हैं, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में इस नदी पर भाखड़ा और नागड़ दो परियोजना बनाएगी। देखिए जैसे हम यहां पे सतलुज नदी आ रही है, इधर बने थोड़ा सा, चलिए देखते हैं। देखिए यहां से सतलुज नदी आ रही है, पूर्व से की तरफ से सतलुज नदी आ रही है। यहां पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये एक बॉर्डर लगती है, यहाँ पे ये दोनों सटी हुई है। मान लीजिए इसको सटा देते हैं तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ है आपका हिमाचल प्रदेश और ये है आपका पंजाब, ठीक। अब देखिए अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाखड़ा, देखिए ये पहले दो परियोजना है, पहले भाखड़ा है फिर नागड़ है। जो भाखड़ा है वो यहां पे जो परियोजना है ऊपर मिटा दें, इसका नाम है भाखड़ा और इसका नाम है नागड़। क्या नाम है? भाखड़ा और नागड़, इसे नागड़ कहते हैं, नागल भी कहते हैं, भाखड़ा नागल, ठीक। अब इन दोनों को संयुक्त रूप से भाखड़ा नागल परियोजना या भाखड़ा नागल परियोजना के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर अगर देखें हम लोग तो यहां पे बॉर्डर लगती है, ये यहां पे बॉर्डर लगती है, तो दोनों परियोजना अगर संयुक्त रूप से मिला दिया जाए तो भाखड़ा नागल परियोजना होगी, ठीक। इस परियोजना के बाद एक छोटी सी बात और आती है कि इस परियोजना के ठीक पश्चिम में जहां पे ये बांध बनाए जाते हैं, जो परियोजनाएं होती हैं उसके पीछे साइड पूरा जल जमा होता है, वहां पानी रुक जाता है, तो ये जल जमा हो गया, एक जलाशय बनता है। क्या बनता है? जलाशय बनता है। इसी जलाशय को किस नाम से? गोविंद सागर जलाशय कहते हैं। कौन सा? गोविंद सागर। कौन सा? गोविंद सागर, गोविंद सागर जलाशय, इसे हम गोविंद सागर जलाशय के नाम से जानते हैं। भाखड़ा नागर दो परियोजना है, यहां पे गोविंद सागर जलाशय का निर्माण होता है। किसका? गोविंद सागर जलाशय का निर्माण होता है, याद रखिएगा। अब ध्यान देने योग्य बात है, भाखड़ा परियोजना कहां पे? हिमाचल प्रदेश में, नागर परियोजना पंजाब में, तो गोविंद सागर कहां पे? क्योंकि इस बॉर्डर के पश्चिम, इस बॉर्डर के अगर देखा जाए तो पूर्व साइड बन रहा है, तो गोविंद सागर जो है वो हिमाचल प्रदेश में परियोजना है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। छोटी सी दिमाग लगाने की बात है, यहां पे ये नदी है, यहां पे सीमा लगती है, किसकी सीमा? इसके इधर अगर हम देखें, इसके इधर यहां पे जो रेड वाला है ये पंजाब है और ब्लैक वाला क्या है? आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, नागल परियोजना जो है वो पंजाब में है। इन दोनों को मिलाकर भाखड़ा नागल परियोजना कहते हैं, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों रूप में, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर जाता है, एक बॉर्डर उस पार है, एक बॉर्डर के इस पार। लेकिन जो गोविंद सागर जलाशय का निर्माण होता है, गोविंद सागर जलाशय जो है वो कहाँ बनता है? वो हिमाचल प्रदेश में बनता है, एक बात। दूसरी बात अगर हम जाने तो हरिके नामक स्थान पर इस नदी पर, हरिके कहाँ है? पंजाब में। हरिके नामक स्थान पर इस नदी पर जहाँ हरिके बैराज परियोजना है उस पर इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है, किसका? इंदिरा गांधी नहर का। तो हम ये पूछना चाहेंगे इंदिरा गांधी नहर की लंबाई क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा कि इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई क्या है। दूसरा प्रश्न, दुनिया की सबसे बड़ी
कृत्रिम नहर कौन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर कौन सी है, इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। ठीक, आज हम लोगों ने पंचनद को पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, इन पंचनद को पढ़ लिया। अब आते हैं इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और जानने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको कि आप इस वीडियो को अगर बेहतर लगे तो सभी साथियों को शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी तक यह पहुंच सके। दूसरी बात है, अगर आप टेलीग्राम से हमसे नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम जरूर जुड़िएगा, क्योंकि कभी कभी वीडियोज बनाते हैं उसकी लिंक आपको नहीं मिल पाती। अभी हम इसके आगे भी पढ़ेंगे, अभी हम इसी में पढ़ेंगे दोआब क्षेत्र, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। दोआब क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठीक, तो एक बात है, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए इलेनी भी दुर्गेश आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पेज पे इलेनी भी दुर्गेश जरूर लाइक कर दिया, क्योंकि वहां पे आपके इससे जुड़े हुए प्रश्न भी मिलेंगे, आगे हम नदियों से जुड़े प्रश्न भी आपको कराएंगे। साथ ही साथ इंस्टाग्राम ट्विटर इलेनी भी दुर्गेश, जहां अगर आप यूज करते हैं तो मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, लेकिन टेलीग्राम पे जुड़िएगा, हमारा एप्लीकेशन इलेनी भी दुर्गेश उसे इंस्टॉल करिएगा। किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, आपको नोट्स चाहिए, तो हमारे ऑनलाइन क्लास नोट्स सभी चीजें उपलब्ध हैं, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 6306344367 पे, जहां से आपको नोट्स मिल जाएगी। लेकिन उससे बेहतर यह कि साथ में आप नोट्स बनाते चलिए और एनसीईआरटी किताबों का अध्ययन करते चलिए। आइए एक बार देखते हैं दोआब। तो एक प्रश्न उठता है, दोआब किसे कहते हैं, तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र के, दो नदियों के बीच के उपजाऊ क्षेत्र को हम दोआब क्षेत्र कहते हैं। ये बाणकृत मैदान होता है जो नदियों द्वारा लाए गए बाण के मैदान से बनता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। अब हम आते हैं इन नदियों को देख लेते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इन सभी को हम पंचनद कहते हैं। और पांच नदियों का शहर किसे कहते हैं, पंजाब को कहते हैं। ठीक, पहले पंजाब जो था पाकिस्तान में मिला था, लेकिन बॉर्डर कमीशन के बाद जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो पूर्वी पाकिस्तान भारत, पंजाब भारत को मिला और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान को मिला। अब आते हैं दोआब क्षेत्र की बात करते हैं। सिंधु और झेलम, सिंधु और झेलम ऊपर देखिएगा, सिंधु और झेलम नदी के बीच की जो दोआब है उसे सिंधु सागर दोआब कहते हैं। किस नाम से, सिंधु सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। लिखते चलिएगा, सिंधु नदी और झेलम नदी, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, उसे सिंधु सागर दोआब के नाम से जानते हैं। सिंधु सागर दोआब, फिर आगे जानते हैं हम लोग, फिर अगला जो है झेलम और चेनाब, झेलम और चेनाब। तो झेलम और चेनाब, एक मिनट रुक दीजिएगा, देख लें, चलिए आने दीजिए, छाज या छज दोआब कहते हैं। झेलम और चेनाब के बीच कौन सा है, छज, छज दोआब क्षेत्र कहते हैं। कौन सा, छज दोआब क्षेत्र कहते हैं। एक मिनट लिख दीजिएगा, छज दोआब क्षेत्र कहते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, इसे कहते हैं झेलम और चेनाब के बीच चाज, चाज दोआब, क्या कहते हैं, चाज दोआब, दोआब कहते हैं। ठीक, कौन सा, दोआब कहते हैं, दोआब, चाज, चाज दोआब क्षेत्र। एक बार फिर से देखते हैं, सिंधु और, सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसे सिंधु सागर दोआब कहते हैं। झेलम और चेनाब के बीच जो है चाज दोआब क्षेत्र कहते हैं। चेनाब और रावी के बीच जो क्षेत्र है उसे रचना दोआब क्षेत्र कहते हैं। और रावी और ब्यास के नदियों के बीच जो दोआब क्षेत्र है उसे बारी दोआब क्षेत्र कहते हैं। और ब्यास और सतलज नदियों के बीच जो दोआब क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे विश्व दोआब। हम अगर अगर आप कहें तो हम लिख दें, थोड़ा सा इसको इरेज करना होगा, एक बार लिख देते हैं, नहीं तो फिर आपको समस्या होगी। सिंधु के बीच है क्या, सिंधु सागर दोआब, यहां से लिख देते हैं सिंधु सागर, सिंधु सागर, सिंधु सागर दोआब हो गया। फिर झेलम और चेनाब के बीच चाज, इसे छाज, छाज या छाज के नाम से जाना जाता है, झेलम और चेनाब के बीच। फिर आगे हम आते हैं चेनाब और रावी के बीच, चेनाब और रावी के बीच रचना दोआब, कौन सा दोआब आता है, रचना दोआब। रावी और ब्यास के बीच बारी दोआब, रावी और ब्यास के बीच, रावी और ब्यास के बीच बारी दोआब, याद रखिएगा, बारी दोआब। ब्यास और सतलज के बीच विष्ट दोआब, विष्ट दोआब के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो हमने आज पंचनद को पढ़ लिया,
और फिर ये देखा सिंधु की सहायक नदियां हैं। एक तरह से सिंधु का अपवाह तंत्र को हमने पढ़ लिया और सिंधु की सहायक नदियों को भी हमने इसके पहले देख लिया था। ज़्यादा डीप में हमने नहीं पढ़ा क्योंकि हमें वही पढ़ना है जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। एक बार आप सभी लोग दोबारा इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, स्पीड अगर कम लगे बढ़ा लीजिएगा, ज़्यादा लगे तो कम कर लीजिएगा क्योंकि यूट्यूब आपको सुविधा देता है। लेकिन सिंधु की जो पंचनद सहायक नदियाँ हैं कभी कभी इनका क्रम पूछ लेता है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, उस समय हो सकता है आपको इसकी सामना करना पड़े समस्या का। इसलिए इसे ट्रिक से याद करिएगा, सिंधु झेलम चेनाब रावी व्यास सतुलज, सिंधु झेलम चेनाब रावी व्यास सतलज, इसकी एक ट्रिक बना लीजिएगा, आप लोग खुद से बनाइएगा और कमेंट करके हमें ही बताइएगा ताकि अगली बार हमें भी याद करने में समस्या ना हो। सिंधु झेलम चेनाब रावी व्यास सतलज, सिंधु सबसे ऊपर है, सिंधु चेनाब सॉरी सिंधु के नीचे झेलम, सिंधु झेलती है किसको, चेनाब को, सिंधु झेलती है चेनाब को, फिर रवि के पास व्यास लेकर जाती हैं ताकि वो सतलज में नहा सके। तो हमने क्या देखा, सिंधु झेलम चेनाब रावी व्यास सतलज, सिंधु झेलम चेनाब रावी व्यास सतलुज, ये सभी नदियों का क्रम आप याद कर लीजिएगा। कुछ परीक्षाओं में सीधे सीधे क्रम पूछ ले जाते हैं और यदि कोई समस्या होती है आप हमें जरूर बताइएगा। बात को भी हमने बता दिया, एक छोटा सा प्रश्न हम भी पूछते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि इसका जवाब ताकि आप कमेंट बॉक्स में भी देते रहिएगा। यह पांच नद जो है ये सभी पंचनद किससे पंचनद शहर के नाम से जाना जाता है, दूसरा ये सभी पंचनद जाकर सिंधु नदी में किस स्थान पर आपस में मिलती हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप वीडियो को पूरे ध्यान से पढ़ा होगा, पूरे अंत तक ध्यान से देखा होगा तो शायद आपको ये चीज़ें पूरी तरह से कंठस्थ और तैयार होंगी। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको शुभरात्रि कहें या सुप्रभात कहें या तो मुश्किल है बता पाना क्योंकि मुझे ये नहीं पता ये वीडियो किस समय देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है इस समय सुप्रभात होने वाला है। कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और टेलीग्राम पर जुड़िएगा, दुर्गेश सर सर्च करके इलेनी दुर्गेश या अन्य कहीं भी जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद जय भारत।